हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम माघ मास के शक्तिला एकादशी के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास की शक्तिला एकादशी व्रत का बड़ा पुण्य बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि शक्तिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष की तपस्या से अधिक फल मिलता है। साथ ही जो भी इस दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का तिल से पूजन करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 के माघ मास की शक्तिला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के जरूरी नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से आधा ही लाभ मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती हैं, और सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल शक्तिला एकादशी बुधवार 18 जनवरी को है। शक्तिला एकादशी पर तिल का बहुत महत्व होता है, इसलिए इसे तिल एकादशी भी कहते हैं। शक्तिला एकादशी में न सिर्फ तिल का प्रयोग करने, बल्कि तिल का दान करने का भी महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्तिला एकादशी पर आखिर क्यों तिल का इतना महत्व है? नहीं जानते तो आइए जानते हैं कि शक्तिला एकादशी पर तिल का प्रयोग क्यों इतना खास महत्व रखता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि संसार में सभी जीव निरंतर कर्म करते हैं, इस तरह जाने अनजाने में उनसे पाप कर्म भी होते हैं। शास्त्रों में पाप कर्म से मुक्ति के लिए कई तरह के उपायों के बारे में बताया गया है, और इन्हीं में से एक है माघ कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी। शास्त्रों के अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत रखने और इसमें स्नान दान, खाने पकाने और पूजा पाठ से लेकर कई तरह से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है। शक्तिला एकादशी पर पूरे दिन कई तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तिल का उपयोग करने से पुण्य कर्म भी बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, शक्तिला एकादशी पर किए गए तिल के उपयोग और तिल का दान स्वर्ग भी प्राप्त होता है। इन चीज़ों का दान करने से और इनका सेवन करने से, ऐसा शक्तिला एकादशी व्रत कथा में बताया गया है। शक्तिला एकादशी पर सुबह तिल का उबटन लगाकर या फिर जल में तिल मिला के स्नान करना चाहिए। पूजा में भगवान को तिल से बने भोग भी अर्पित करने चाहिए। शक्तिला एकादशी पूजा में तिल से हवन कराएं और ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को इस दिन तिल का दान करें। और जो आप पानी पीते हैं
उसमें भी आप तिल डालकर पिए। तिल के लड्डू या तिल के व्यंजन पकाएं, संभव हो तो तिल का उच्चारण भी करें। इस तरह से षटतिला एकादशी पर आप तिल का प्रयोग करें। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में माघ षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शाम के 6:05 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शाम के 4:03 पर। उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन 18 जनवरी को करना मान्य होगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 19 जनवरी सुबह के 7:14 से सुबह के 9:21 तक। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन से उनका तिलक करते हुए विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा में विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य तुलसी के पत्ते पीले फल पीले फूल और तिल अर्पित करें। षटतिला एकादशी पर छह तरह से स्नान उबटन आहूति तर्पण और दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में एकादशी व्रत कथा का पाठ करके आरती करें और फिर द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन और क्षमता अनुसार दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन पूजा में तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस व्रत के नियम दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिन के होते हैं, इसलिए तीनों दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे कि प्याज लहसुन और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पारण के अनुसार अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आप ब्राह्मण को और जरूरतमंद व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को दान देकर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैंने दोस्तों वीडियो अपलोड की है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। व्रत करने वाले जातक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन बाल नाखून दाढ़ी मूछ ये नहीं बनाने चाहिए और एकादशी व्रत में मसूर की दाल और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन गोभी पालक शलगम इनका सेवन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं कहने चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू आम जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और उंगली से गला साफ कर लें। इस दिन झाड़ू और पोछा भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी और सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है और इस दिन खासकर एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन यानी कि षटतिला एकादशी के दिन तिल स्नान तिल का उपटन तिल का हवन तिल का भोजन तिलों का दान ये 6 प्रकार के प्रयोग के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है और इसका
पुण्य बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए और अपने इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा, और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।